हेलो नमस्ते, तो की हाल ते की चाल, तो कैसे हो सारे के सारे। होप कर तो सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। बढ़िया नहीं हो तो व्लॉग देखो, शिमला में बढ़िया हो जाओगे। तो देखो आज हमारा प्लान है शिमला जाने का। अभी बज रहे हैं 1:30 दोपहर के, क्योंकि आज मेरा पेपर था तो मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, तो चलो अब चलेंगे हम शिमला और गाड़ी बिल्कुल तैयार है, हम भी तैयार हैं, तो चलो आपको लेके चलते हैं सीधा शिमला। और वीडियो को लाइक कर लेना, अपना बेस्ट पार्ट कमेंट में बाद में शेयर कर लेना, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और शेयर कर लो इसको जितना कर सकते हो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जिन जिन के साथ आप घूमना चाहते हो या फिर जहां भी आप जाते हो घूमना, तो तब जरूर शेयर करना। तो चलो चलते हैं। भाई निकल चुके हम शिमला के लिए और पहाड़ों की हसीन वादियों में गाड़ी चलती हुई, लोग मजे कर रहे हैं और ये रहा कुछ व्यू ऐसा। बाकी टाइमलेस में एंजॉय करो। यार मैं आ चुका हूँ साइड सीट पे और भाई आ चुका है ड्राइविंग सीट पे। तो अब हमें निकले हुए हो गया लगभग 1-1.5 घंटा और हम सोलन से निकले थे, वहां से शिमला कुछ 60 किलोमीटर करीब है। 25-30 किलोमीटर हमने कवर कर लिए, 25-30 किलोमीटर और रहते हैं जो कि हम 1-1.5 घंटे में और कर लेंगे। बाकी यार रोड का एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही प्यारी रोड है। बीच में थोड़े थोड़े पैच है जिधर मतलब 100-200 मीटर के, जिधर थोड़े बहुत गड्ढे देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी रोड बहुत सेक्सी है। और अब आ चुके हैं लगभग पहाड़ों के ऊपर, तो शिमला पहुंचते 1 घंटे में फिर आपको दिखाते हैं क्या रहता है कैसा रहता है। यार शिमला तो पहुंच चुके हैं लेकिन पिछले आधे घंटे से मटके हुए हैं जाम में। तो हम यहाँ से जा रहे हैं झाकू टेंपल और देखते हैं, वहाँ से कह रहे हैं कि व्यू बहुत अच्छा है और काफ़ी मानव मंदिर है, तो चलो चलते हैं। और बाकी स्नो आ चुकी है पूरी भर भर के, तो चलो आपको वो दिखाता हूँ। ये झाकू टेंपल के लिए अलग से रोड जा रही है, तो ट्राई करते हैं गाड़ी जाती है नहीं जाती। तो इसका व्हील्स भी नहीं हो रहा है तो नहीं जा पा रही, आपको दिखाता हूँ रुको। तो एक और ट्राई करते हैं, मैं उतरूँ। यहाँ पे बहुत सारी ब्लैक स्नो है, ब्लैक आई सॉरी, तो उसकी वजह से टायर स्लिप हो रहा है। करते हैं पीछे से मोमेंटम बना के और गाड़ी चढ़ गई। भाई बहुत टायर स्पिन कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाती है। और भाई बिल्कुल नैरो रोड है, बहुत ज़्यादा नैरो रोड है, मतलब एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती। और साइडों में बर्फ, गाड़ी खींच के चलानी पड़ रही है। और क्या कर रहा है, अंकल जी साइड में दबानी पड़ेगी, उनने बीच में लगा रखी थी गाड़ी, पीछे ही निकालनी पड़ेगी अब। हाँ जी हाँ जी
हाँ वही कह रहा हूँ, ये पीछे ही निकल लगानी पड़ेगी। वो गाड़ी स्पीड में आ रही थी अच्छी वाली, वो बीच में गाड़ी लगा दी उनने। आपको दिखेगी नहीं लेकिन मतलब यहाँ पे चलने में भी पैर फिसल रहे हैं, तो यार गाड़ी तो क्या ही चढ़ती। कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस हो गया। और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, कैमरा में नहीं दिख रही। तो चलो पहले गाड़ी में बैठते हैं फिर बात करेंगे। ऐसी कुछ जगह थी। तो यार हालत ख़राब हो गई अपनी भी और अपनी गाड़ी की भी। वैसे कुछ खास मतलब ऐसे क्लच व्लच में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब स्नो में चल जाती यार देखो, लेकिन ब्लैक आइस थी जिसकी वजह से वो पूरी गाड़ी मतलब आगे बढ़ी नहीं रही थी। जोर लगा लिया, पत्थर लगा लिए पीछे, लेकिन इट वॉज नॉट वर्किंग। तो चलो गाड़ी में चलते हैं। यार पार्किंग से उतर के जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। तो ये रे लिफ्ट। ये कुछ रेट लिस्ट है लिफ्ट की। पैसे लिफ्ट लेनी पड़ेगी आपको मॉल रोड के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर पे उतरने के लिए पहले एक लिफ्ट लेनी पड़ती है, आप फर्स्ट फ्लोर पे उतरोगे फिर ये सामने रही दूसरी लिफ्ट, इसमें जाना पड़ेगा। मॉल रोड पे चलते चलते बस बोरी हुए थे, ये एक बहुत ही प्यारा व्यू मिला है तो आपको दिखाता हूँ। तो यार ये शिमला की प्रॉपर मॉल रोड है, जहाँ पे लिफ्ट छोड़ती है उसके बाद आप सीधा सीधा जाओगे तो पहले एक नीचे वाली मार्केट आती है और ऊपर अगर चढ़ोगे तो मॉल रोड आ जाएगी, वही है। बड़ी मॉल रोड है, मतलब मनाली की देख ली या फिर सोलन की देख ली, सबसे बड़ी मुझे अभी तक ये लगी है। यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, सारी कंपनीज के आउटलेट है, फ़ोन के, शर्ट के, कपड़ों के मतलब, और खाने पीने की भी काफ़ी दुकान है। स्ट्रीट फूड यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, तो जब खाएंगे आपको दिखाएंगे। यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटन, लुई फिलिपी, लिवाइस, एडिडास, प्यूमा, सारी कंपनीज के आउटलेट है यहाँ पे। और ये एक बहुत प्यारी सी बिल्डिंग, ये मुझे भी नहीं पता क्या है, पुलिस असिस्टेंट रूम बना रखा है यहाँ पे। तो यार हम गए थे एक चाइनीज रेस्टोरेंट और वहाँ पे हमने खाया, आप खैर सिनेमैटिक्स में देख लोगे। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ की फेमस दूध जलेबी खाने, जो मतलब बेस्ट जगह पे मिलती है। अगर वो अच्छी हुई तो मैं बताऊँगा, रिकमेंड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नथुराम लक्ष्मण दास, प्योर देसी घी यूज्ड हियर। पर यहाँ पे आपको मिल जाएगी दूध जलेबी, इमरती, आलू पूड़ी, आलू टिक्की, चना समोसा, पाव भाजी, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पापड़ी चाट, लस्सी। तो काफ़ी सुना था इनके बारे में, तो ट्राई करते हैं कैसी देते हैं। तो चलो देखते हैं।